कोविड गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। नहीं अभी तो कोरोना खत्म नहीं हुआ है, पॉकेट में करना चाहिए, है मेरे पॉकेट में है ना जी। अरे लगता है रूम में छूट गया सर, सॉरी। देखिए आप देख रहे हैं ये जो न्यू वेरिएंट है, ऐसे कोविड वायरस जो है वो उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट एक फॉर्म ऑफ म्यूटेशन है जिसमें ये वायरस अपना फॉर्म को सडनली चेंज कर लेता है। बट इन्फेक्टिविटी अगर ज़्यादा रहेगा तो ये और भी तेज़ी से फैलेगा। आज 2 हुआ है, हो सकता है कल होकर 2000 हो जाए, परसों 2 लाख हो सकता है। इतना ज़्यादा इसका? हाँ इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड, मैं हूँ शिवानी। आइए देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार के द्वारा लगभग हर चीज में छूट दे दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसमें और भी वेरियंट आ रहे हैं। अभी एक नया वेरियंट आया है जिसका नाम ओमिक्रॉन दिया गया है। ऐसे में हम जानेंगे कि इसमें इस ओमिक्रॉन से रिलेटेड जो भी परेशानियां होंगी, क्या कुछ परेशानियां हो सकती हैं, ये जानेंगे डॉक्टर से। और साथ ही साथ हम पब्लिक से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो अपना कितना ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं इस कोविड काल में। मैम कोरोना खत्म हो गया ना? नहीं खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, रुकिए रख रहे हैं। तो नियम का पालन करना चाहिए? करना तो चाहिए। करना चाहिए जी। आप लोग कर रहे हैं? नहीं हम लोग तो अभी नहीं किए हैं। सुनने में एक नया वेरिएंट आ गया जो 7 गुना खतरनाक है। जी मालूम है जी। तो जी अभी हम किसी के टच में आते हैं तो मास्क यूज करते हैं। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ तो भीड़ भाड़ है ना। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। हालांकि ये मास्क लगाई हुई है, लेकिन फिर भी आप जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उनके बारे में आप क्या सोच रखती हैं, क्या वो सही करते हैं? नहीं बिल्कुल भी सही नहीं करते। मास्क हमेशा लगा के रहना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो भी मतलब हाथ धो या सैनिटाइज़र या कुछ भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, इससे हमारे पास कोरोना नहीं आता। और अगर हम मास्क नहीं यूज़ करते हैं, मैं कम से कम दिन भर मतलब जहाँ भी जाती हूँ मैं मास्क यूज़ करती हूँ, कहीं भी मैं जाती हूँ हमेशा मास्क यूज़ करती हूँ। हमें मास्क यूज़ करने से क्या होता है ना कि वो चीज़ बीमारी हमारे पास नहीं आती, वो दूर रहती है। पास आने से वो चीज़ बढ़ती है। हम मास्क नहीं लगाएंगे, दूसरा नहीं लगा, तीसरा नहीं लगा, इससे क्या होता है ना वो चीज़ बढ़ते जाती है। मास्क लगाने से क्या होता है ना कि वो चीज़ मतलब कोई भी बीमारी होती है, कोई भी मतलब आप हाथ धोएंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, या कोई भी मतलब आप कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं या कोई भी चीज़ में आप मास्क लगाइए या हाथ धोइए, इससे आपके पास कोरोना नहीं आएगा, जिससे आपको बहुत सेफ्टी मिलेगी। कोविड काल में सरकार ने दुकानों को सब बंद कर दिया कि आप लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, फिर से परिस्थिति वही दिख रही है, क्या कहेंगे? नियमों का पालन करना चाहिए। करना चाहिए। आप लोग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या चीज़? मास्क लगा रहे हैं, अभी रखे हुए मास्क। क्या अभी इनकी बातों को मानते हैं? हम आते हैं काफी के भाई, 10 रुपये। नहीं सर नहीं मांगते। नहीं बोलिए। अरे है ना, नहीं बोलिए ना, कुछ सब अच्छा है। तो दुकानें सजी हुई हैं, हर कोई व्यापार कर रहा है, और इस व्यापार के माध्यम से आप तस्वीरों को साफ देख सकते हैं कैसी लापरवाही यहाँ बढ़ती जा रही है। क्या मास्क लगाना जरूरी है? नहीं मालूम। आप बहुत लोगों देखेंगे, क्या बोल रहे हैं? मास्क जो नहीं लगाएगा वो खुद झेलेगा और दूसरों को भी झेलवाएगा। चलो कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, अभी बोल रहा है इंटरनेशनल फ्लाइट बंद होने जा रहा है, तो अगर अभी हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर इंडिया लॉक कराना है, तो मास्क मत पहनिए। कुछ दुकानदार बोल रहे हैं कि क्या जरूरत है मास्क? जरूरत पड़ेगा, टाइमिंग के हिसाब से मास्क लगा। जब खुद का परिवार में होगा ना तब खुद लगाने लगेंगे। अभी लग रहा उन लोगों की छूट मिल गया, कुछ छूट नहीं है। कोरोना के बाद अब ओमिक्रॉन आ गया, अभी थोड़ा सा बचना चाहिए और थोड़ा सा डरना भी चाहिए। और अब बहुत ज़्यादा वो हैवी है, इसमें बहुत नुकसान होगा अभी आदमी को, सबको, लोग को। हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग को भी करना है, और फिर से मास्क पहनना है, फिर से वही होगा, डिस्टेंस रखना है, वही सब करना ही है, सतर्क रहना है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए है? करना चाहिए। लेकिन आप? हाँ खरीदना है। तो अभी आपने देखा कि रांची वासी कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको लोगे कितने सावधान है। चलिए अब सुनते हैं रिम्स के डॉक्टरों को।
देखिए ओमिक्रॉन के बारे जो नया वेरिएंट है उसके बारे अभी तक हमने जहाँ तक स्टडी किया है जितना मुझे जानकारी है उतना ही मैं बता सकती हूँ। आगे क्या होगा इसका तो अभी किसी को पता नहीं है। ओमिक्रॉन के बारे ये कहा जा रहा है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है बट विरुलेंसी कम है इन रेस्पेक्ट टू डेल्टा वायरस जो पहले सेकेंड वेव में आया था। विरुलेंसी कहने का मतलब है कि ये घातक कितना है जैसे किसी को, और इन्फेक्टिविटी मतलब कि ये कितने को इन्फेक्शन फैला सकता है। एक आदमी को है तो वो 10 आदमी को कितना जल्दी फैला सकता है, और विरुलेंसी का मतलब ये है कि अगर 10 को हुआ तो कितने को ये जानलेवा हो सकता है। तो ये जानलेवा कम कहा जा रहा है और इन्फेक्शन फैलाने वाला ज़्यादा कहा जा रहा है। तो इसमें अब और ये बहुत काफ़ी म्यूटेंट वायरस है, बार बार अपना रूप बदल रहा है, क्या पता इंडिया आते आते वो ऐसा म्यूटेशनल हो जाए कि उसकी विरुलेंसी बढ़ जाए, तो कहना बड़ा मुश्किल है। और अभी उनके बारे देखा जा रहा है, उन पे निगरानी रखी जा रही है, क्या होगा नहीं होगा ये कहना तो भी किसी के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बट फिर भी कोरोना वायरस को हम लोगों को इतना ईजिली नहीं लेना चाहिए, इतना जो है उसको गंभीरता में लेनी चाहिए, क्योंकि है तो खतरनाक ही और अपना पूरा खतरनाक रूप दिखा भी चुका है। तो खतरा के आने से पहले हम सभी लोग प्रिकॉशन लें, मास्क पहने और जो गाइडलाइंस बताए गए हैं उनको बिल्कुल पालन करें, क्योंकि खतरा मोलने से अच्छा है उससे प्रिकॉशन लेना। लोग कह रहे हैं कोविड चला गया, ये हम नहीं यहाँ की जनता कह रही है। क्योंकि जब हम मास्क की बात करते हैं ना तो लोग कहते हैं मास्क क्यों लगाएं, हाथ क्यों धोएं, दूरी क्यों बनाएं, भीड़ में क्यों ना जाएं। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर है। बढ़ाल डेल्टा प्लस के बाद अब एक और आ गया है इसका स्वरूप। कोविड में यदि हम बात करें तो लगातार खतरा कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहा है। फिर से एक नया वेरिएंट आ गया है जो अभी तक इंडिया में लोगों में पाया गया है, कितना खतरनाक है हम आज रिम्स के डॉक्टरों से बात करेंगे, क्योंकि कोविड वार्ड भी यहाँ पे है, कोविड वार्ड यहीं पे है। बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर चंद्रभूषण है, हम उनसे बात करते हैं कि सर सरकार ने तो ढील दे दी है, और जो आप रांची की स्थिति देख रहे होंगे, रांची ही नहीं बल्कि बहुत जगहों की स्थिति, अब लोगों को लगता है कोरोना चला गया है। ऐसे में ये लापरवाही कितना भारी पड़ने वाला है। देखिए आप देख रहे हैं ये जो न्यू वेरिएंट है, ऐसे कोविड वायरस जो है वो उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट एक फॉर्म ऑफ म्यूटेशन है जिसमें ये वायरस अपना फॉर्म को सडनली चेंज कर लेता है, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली पाया जाता है। अभी तक आपने कितना सारा वेरिएंट देख चुका है, तो ये न्यू वेरिएंट है, और लोग जैसा बता रहे हैं कि ये वेरिएंट का इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा, वायरलेंस कम है, बट इन्फेक्टिविटी अगर ज़्यादा रहेगा तो ये और भी तेज़ी से फैलेगा। आज 2 हुआ है, हो सकता है कल होकर 2000 हो जाए, परसों 2 लाख हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा है इसका। हाँ इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो हमें अपना प्रिकॉशन लेना है, सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करना जो हम लोग पिछले बार फॉलो कर रहे थे। अभी अपने आप को रिजर्व रखना है, और सिंपल जो प्रिकॉशन था फोमाइट बॉर्न है, एयर बॉर्न तो अभी तक नहीं पाया गया है, बट फोमाइट बॉर्न है, तो हमें अपना मास्क लगा के रखना है, और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है, ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना है। हमें बस ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन से बचना है, जो सिचुएशन अप्रैल के मिड में क्रिएट हुआ था इस ईयर, उस सिचुएशन से अगर बचाना है अपने आप को, तो अभी जितना सडनली एक्शन लेना है, चाहे गवर्नमेंट के लेवल पर, चाहे अपने लेवल पर, या फिर सोसाइटी के लेवल पर, हमें आगे आना पड़ेगा। कुछ खबरों की हम माने तो बातें ये भी सामने आ रही है कि कुछ चीजों पे शायद अब सरकार पाबंदी लगा सकती है। लोग तो ऐसे मानेंगे नहीं, और ना कोई बातों को समझने को तैयार है। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा अभी आपने सुना, ज्यादा इस पे बात करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल डॉक्टरों ने यही कहा, प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, सावधानी बरतें। क्या हुआ इंडिया में, हम विदेश की बात छोड़ देते हैं, इंडिया में ही क्या हुआ हमने और आपने देखा। माने ना माने ये आपकी मर्जी है, शासन प्रशासन और डॉक्टर्स आपको सलाह दे सकते हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, और यदि आपने अभी तक हमारे फेसबुक
और YouTube चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जल्द से जल्द कर लें। आपकी छोटी सी कोशिश हमारे टीम को हर सोलह से भर देगा। अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।